नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मेहरा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 पंजाब हरियाणा। शुरुआत करते हैं पंजाब की बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि चुनाव से 3 महीने पहले सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से 2 बड़े अहम फैसले किए गए, जिसमें आपको सबसे पहले बता दें कि चुनाव से कुछ समय ही पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली सस्ती देने का वादा किया है। उसी के साथ ही आपको बता दें कि 70 लाख उपभोक्ताओं को दिए जाने वाली जो राशि थी वो 11% तक इजाफा कर 6 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। उसके साथ आपको बता दें कि अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में जो बिजली का रेट था वो हरियाणा और हिमाचल से कई गुना ज़्यादा था, लेकिन अब इस नए फैसले से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 3 रुपये प्रति यूनिट कर हरियाणा और हिमाचल चंडीगढ़ से भी बिल्कुल आपको बता दें कि हरियाणा में सस्ती हो जाएगी, जो बिजली है वो सस्ती कर दी गई है हरियाणा चंडीगढ़ के मुताबिक। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से अपने ही सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में पंजाब भवन में हिंदू महासभा के कार्यक्रम के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले लंबे समय से 5 साल से जिस सरकार ने कुछ नहीं किया वो अब चुनाव से 3 महीने पहले लोगों को लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, लोगों को एक बार फिर से उल्लू बनाया जा रहा है। साफ तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से कहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इतना कुछ करने के बाद कभी सरकार कह रही है कि हम ये कर देंगे, तो कभी कह रहे हैं कि हम आसमान से तारे भी तोड़ देंगे, लेकिन साफ तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बात करें तो पंजाब का खजाना एक तरफ तो सरकार कह रही है भरा हुआ है, अगर भरा हुआ है खजाना तो सरकार को IT टीचरों को 50,000 से अधिक वेतन क्यों नहीं दी जा रही। उस पर साफ तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही मुख्यमंत्री बात करें तो चन्नी को साफ तौर पर कहा कि अगर खजाना भरा भी हुआ है तो क्यों नहीं सब लोगों को एक ही मात्र में दिया जा रही तनख्वाह। पंजाब में कांग्रेस को एकजुट रखने के लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अब खुलकर मैदान में आ चुके हैं। आपको बता दें कि रविवार रात को वह अचानक कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाने वाले राणा गुरमीत सिंह सोढी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने लेट नाइट डिनर भी किया। उसके साथ आपको बता दें कि राणा गुरमीत सिंह सोढी राहुल गांधी को मिलने के लिए दिल्ली भी गए थे, लेकिन आपको बता दें कि जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि वह जल्द ही अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, और यह एक बात कही जा रही थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे में कई बड़े मंत्री और विधायक भी आ सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जंग में उतरने की शुरुआत कर दी गई है। साथ ही उन्होंने उनके करीबी माने जाने वाले राणा गुरमीत के साथ बैठक भी की। अब देखने वाली ये बात होगी कि एक बार कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नई पार्टी का ऐलान भी करते हैं, लेकिन राणा गुरमीत सिंह सोढी अब किसके पक्ष में जाएंगे, क्या वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में जाएंगे या फिर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के पक्ष में। दिल्ली का बॉर्डर खोलने को लेकर सरकार की मनमर्जी के खिलाफ अगर बात करें तो किसान आंदोलन ने एक बार फिर से अपना रुख बदलना शुरू कर दिया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को कड़ी चुनौती देते हुए कहा कि आंदोलन तेज कर दिया जाएगा अगर सरकार ने हमारी मांगे ना मानी, और साफ तौर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि जो अगर सरकार बातें नहीं मानेगी तो एक बार फिर से सभी किसान इकट्ठे होकर ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे। जिसको देखते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 1 साल पूरा हो चुका है लेकिन सरकार अभी भी उनकी बातें नहीं मान रही है।